संजय चौहान। मैं उनके परिचय में बता दूं कि उन्होंने इतिहास में बीए किया है, सामाजिक कार्य में एमए, रशियन, फ्रेंच व कंप्यूटर विज्ञान में उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है। ह्यूमन राइट्स से लेके तमाम तरह के दूसरे ऐसे काम जो कि उनके जीवन से ताल्लुक रखते हैं और उनके पूरे समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, तो उनकी संबद्धता विशेष रूप से भारत सरकार के साथ है। उन्हें कई तरह के आयोजनों में शिरकत करने के लिए, उनके अवदान के लिए होप फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का पुरस्कार मिला है। पंजाब सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। वे अब तक भारत का प्रतिनिधित्व विश्व के अनेक देशों में करते रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, एथेंस और भी कई ऐसे देश हैं जहां उन्हें वार्ता के लिए, व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है, जहां वे ट्रांसजेंडर जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो विषय पक्ष हैं उनके बारे में वो वार्ता करते रहते हैं। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। धनंजय चौहान जी, कृपया आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर संतोष चौबे जी, लीलाधर सर और आप सब सबको मेरा अभिनंदन, धन्यवाद। आप लोगों ने इस विश्व मंच में, इस सब रंग में एक रंग और जोड़ा है, सतरंगी रंग, और इस रंग को सराबोर करके जो सर्वगुण सर्वकला संपूर्ण एक आई एम नॉट अ वुमन, आई एम अ प्राउड वुमन। सो आप सभी के साथ मुखातिब होकर मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और ये रास्ता है इंक्लूजन का और ये रास्ता है विद्या का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का, और कोई रास्ता नहीं है कि हम इंक्लूड कर सकें नाचना गाना। ये रास्ते हो सकते हैं लेकिन सबसे बढ़िया रास्ता है विद्या, वो रास्ता जो हम लोग भटकते रहे सारी ज़िंदगी। जन्म हम आपके जैसे ही होता, हमको एलियंस नहीं है, हम आपके जैसे ही हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस इज नॉट रॉन्ग। ये डाइवर्सिटी है, नेचर में डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता है वो हमारे नेचर में ही विविधता है। हम जितने हजारों लोग, कई सैकड़ों लोग बैठे हैं, कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है। आपकी खुद की बॉडी भी आपके जैसे, मतलब एक हाथ दूसरे हाथ से भिन्न है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि दूसरा इंसान भी आपके जैसे आपके जैसा हो। नेचर ने डाइवर्सिटी ही पैदा की है, विविधता पैदा की है, और उसमें सबसे सुंदर रंग जो है वो तृतीय प्रकृति का है, क्योंकि उसको दो गुणों से संपन्न किया है, नर और मादा। वो दो जो साइकोलॉजिकल सेक्स है और बायोलॉजिकल सेक्स, वो दोनों डिफरेंट होने के बावजूद वो एक इंसान है और इस प्रकृति में वो पैदा हुआ है, तो वो उसको हमारा जो संघर्ष है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। उससे पहले मैं बता दूं, सेक्स इज बायोलॉजिकल। हम कैसे शरीर को लेकर पैदा होते हैं, उसमें कोई इंसान पैदा होता तो वो जेंडर लेके नहीं आता है, ना ही वो नाम, धर्म, जाति, वो सिर्फ शरीर आता है। उसके कुछ खास शरीर के अंग होते हैं, वो शरीर को लेकर आता है। वो इंसान जब वो पैदा होता है तो उसके बाद जब समाज उसको नामकरण करता है, उसका जेंडर जो डिसाइड करता है वो समाज करता है, उसका डॉक्टर या फिर समाज के लोग उसको नाम देते हैं, उसका लिंग देते हैं, उसका सब कुछ उसके पास उसकी झोली में डाल देते हैं। उस बच्चे का कुछ भी अपना कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ दिया हुआ होता है, उसका कुछ भी अपना नहीं, उसका जेंडर, उसका सेक्स, उसका धर्म, उसकी जाति। 3 से 5 साल की एज में एक बच्चा अपना जेंडर खुद भी डिसाइड करता है कि यस आई एम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
लेकिन जब वो जेंडर डिसाइड करता और सामाजिक पहचान और जो उसका खुद की पहचान उसमें क्लैश हो जाता है, नर और नार जो मेल और फीमेल है वो उनका जब जेंडर जो समाज ने डिसाइड किया है, कई बच्चे हैं उनको वो उस जेंडर में परफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें मिसमैच हो जाते हैं। उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो समाज मुझे पहचान दे रहा है ये मेरे से मैच क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दे फील दैट हम लोग किसी गलत शरीर में पैदा हो गए, ट्रैप्ड इन रॉन्ग बॉडी। तो ये जो संघर्ष है, उसके बाद आती है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में क्या होता है कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये सब चीज़ें जो है। उसके बाद जेंडर रोल भी होते हैं, जेंडर एक्सप्रेशन होते हैं, काफ़ी तरह के स्टीरियोटाइप्स जो चीज़ें हैं वो हैं। तो मेरा जन्म भी आपके सबके जैसे ही हुआ है, और 5 साल की एज में जब मेरा मुंडन हुआ तो मैंने मना कर दिया कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ। तो तब क्लास शुरू हुआ फैमिली के, शुरू में ये हुआ कि चलो बच्चा है तो बाद में एक फेज आएगा जब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होने वाला नहीं था। 6-7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बोला, माँ मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, आप लोग मुझे गलत मान रहे हैं। तो उन्होंने, मेरे माँ ने मेरे पापा को बोला, और पापा ने पंडित से बात की, पंडित ने फिर कहा कि ओझा से बात करते हैं कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है, इसके अंदर कोई आत्मा है, इसको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ओझा के पास लेके गए, ओझा ने झाड़ फूक किया एंड जो गर्म चिमटा होता है उससे मुझे जलाया गया, ताकि मैं उस जेंडर को मानूं जो वो बोल रहे थे। उस वक्त मैंने कहा कि ठीक है, मैं आगे से फीमेल के कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं लड़की हूँ, मैं मानूंगी। लेकिन उसके बाद जो भेदभाव होता रहा स्कूल में, जो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बुलिंग होता रहा, वो होता रहा। तकरीबन मेरे को किसी भी गेम में खेलने नहीं दिया गया, मेल वाले में चाहे फीमेल वाले में, ये सब चलता रहा। मास्टर भी जो टीचर होते थे वो भी बच्चों का, वो सब लोग मिल के इतना बुरी तरह से इंसल्ट किया जाता था, शक्का हिजरा पता नहीं क्या क्या नाम थे। एंड जब मैं 9th और 10th की थी तो तब मैं डिप्रेशन में चली गई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया तो मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। माँ ने मुझे कहा कि वो सोचते थे शायद मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ या इस तरह से, मैं उनको और कुछ बताती थी, वो सोचते कुछ और थे। तो प्लस टू में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, एंड ग्रेजुएशन में मैंने टॉप किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, BA ऑनर्स किया मैंने। और बहुत सालों तक मैं अपने जेंडर को छुपाती रही, किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि माँ बाप ने कसम खा रखी थी कि हमारी इज्जत का सवाल है, तुम किसी को मत बताना तुम कौन हो, क्योंकि आप तुम्हारे भाई बहन की हैं, उनकी शादियाँ नहीं होंगी, वो बिना शादी के रह जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हूँ आपके लिए, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी, मैं अपने वजूद को ही नहीं, ऐसे कोई ताला मार के कहीं फेंक दूंगे चाबी जैसे, इस तरह से अपने आप को दबा के रखा। लेकिन एक रूह होती है अंदर से, ब्रेन है, वो इंसान को जीने नहीं देता, वो कहीं ना कहीं हमेशा कुरेदता रहता कि जो तू है वो नहीं है, तुम झूठी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम वो नहीं हो, तुम जीना, तुम कोशिश कर रहे हो जीने की लेकिन तुम जी नहीं रहे। एंड मेरा एडमिशन MA में इतिहास में हुआ, तो रैगिंग करके मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, और फिर मैंने MA छोड़ दिया। 1993 में 1994 में मेरा लॉ में एडमिशन LLB में इवनिंग में, तो तब भी मेरे साथ रैगिंग हुआ, रेप करने की कोशिश की लड़कों ने, वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने डिप्लोमा किए छोटे छोटे फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि लिंग्विस्टिक मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, किताब को देख के मुझे कुछ हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि दुनिया तो नहीं समझती लेकिन ये जो अक्षर हैं, ये किताब है, ये मुझे अच्छे से समझती है। तो किताबों को मैंने कभी नहीं छोड़ा, किताब तो मेरी जान थी, और इसलिए डिप्लोमा किए फ्रेंच लैंग्वेज में, रशियन में, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन भी सीखा मैंने, कंप्यूटर सीखा, एंड साथ साथ में मैंने क्लासिकल वोकल
और क्लासिकल डांस कथक ये सीखा। मैं लगातार विद्या से जुड़ी रही। 2000 के आते आते इतना ज़्यादा डिप्रेशन और बुलिंग हैरेसमेंट हो गया, मतलब मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। रेप हुआ, लोगों ने थूका मेरे ऊपर, किडनैप करके 20 लड़कों ने रेप किया मेरे साथ पूरी रात, तो ये सब और मारा पीटा इस तरह से, मतलब एक दिन की कहानी नहीं, ये तो रोज का किस्सा हो गया था। पुलिस के पास जाते थे, पुलिस कोई सुनती नहीं थी। आम इंसान के पास जाओ तो तब वो लोग हंसते थे, हर दरवाजे बंद हो गए, माँ बाप से बोलने में शर्म आती थी कि मेरे साथ रेप हुआ है। कोई सुनने वाला कोई नहीं था, ना हमारे लिए कोई लॉ था, ना कोई सरकार थी। ऐसा लगता था कि ये संसार हमारे लिए बना ही नहीं। आई एम राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। इतना सोचने के बाद लेकिन मैं बचपन से बहुत भीख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी स्टबर्न, मतलब मैं कुछ भी ठान लेती थी तो चाहे मेरे को कत्ल कर दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैंने सोच लिया था 94 में जब मेरे को यूनिवर्सिटी से निकाला गया तो मैंने ही फ्रंट लाइन में आऊँगी तो शिखंडी बन के इसी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने काफ़ी लंबा संघर्ष करके वेट किया, एक ऐसा अवसर में रही और अपने को जानने की कोशिश करती। उसमें फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, सेल्फ स्टडी। मेरे लिए यूनिवर्सिटी तो बंद थी, लेकिन ईश्वर की प्रकृति की यूनिवर्सिटी तो कभी बंद नहीं होती है। वो जो ठोकरें थी, जो मेरा जो ठोकरें लगती थी, वो मेरे लिए यूनिवर्सिटी बन जाती थी और उन्हीं से सीखती थी मैं। प्रकृति ने मुझे सब कुछ दिया, प्रकृति ने मुझे सब कुछ सिखाया और शायद मैं दुनिया से ज़्यादा मुझे प्राउड है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। ये सब होने के बावजूद जब मैं अपने आप को प्रिपेयर करती है वेदों को, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। मैं सोचती हूँ शायद मैं अकेली इस दुनिया में और कोई नहीं, लेकिन फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कहीं ना किसी बुक में लिखे। इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, बाइनरी लिखते हैं, मेल और फीमेल के बारे में लिखा, हमारे बारे में तो कहीं लिखा होगा। तो वेद में एक मंत्र आता है, विकृतिम एवं प्रकृतिम, व्हाट इज अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल। ये सब पढ़ने के बाद हर जगह आत्मा आत्मा आत्मा, शरीर के बारे में कहीं नहीं, चाहे वेद हो या उपनिषद हो, कहीं शरीर के बारे में इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। आत्मा को लिखा गया और आत्मा को फीमेल माना गया, स्त्री भाव में देखा गया। गीता में एक श्लोक आता है, केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं कृष्ण की राह पर चल पड़ी। मैंने कहा ईश्वर ने कहा है कि मैं पुरुष हूँ, मतलब हम कोई भी धर्म वाला कुछ भी मान सकता है, मैं परमात्मा की, चलो कृष्ण को छोड़ो, परमात्मा या ईश्वर या प्रकृति। ईश्वर ने कहा केवल मैं ही पुरुष हूँ, तो प्रकृति स्त्री है और आत्मा जो मनुष्य है प्रकृति का हिस्सा है, तो हमारी जो आत्मा है वो स्त्री है। हम अपनी आत्मा को उसी भाव से प्रकट करते हैं, मेरी आत्मा मर गई है, मेरी आत्मा जीवित है, प्यासी है, भूखी है। हम ये नहीं बोलते कि मेरा आत्मा मर गया है, उसको स्त्री भाव में देखा है, देखते हैं। वृंदावन में कोई पुरुष भाव में नहीं जाता, वृंदावन में सब लोग सखी भाव में जाते हैं। एक बार मीरा चित्तौड़गढ़ से वृंदावन आए तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी से मिलने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मीरा ने कहा अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, यहाँ तो कोई पुरुष नहीं है, मुझे तो सब स्त्री नजर आते हैं। क्योंकि हम लोग शरीर देख रहे हैं, हम लोग आत्मा उसके अंदर का भाव नहीं देख रहे हैं। वो जो और जो भक्ति आंदोलन जब देवदासी प्रथा शुरू हुई, वो कुए कम्युनिटी किन्नरों ने शुरू हुई है, उसमें स्त्रियाँ बाद में आई हैं। भक्ति आंदोलन और सूफिज्म को भी शुरू करने वाला किन्नर, जो किन्नर लोग हैं उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उसमें भक्ति में स्त्री भाव में रहना था। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुर में स्त्री भाव में रहते थे, वो लंबे बाल करके। सो हर जगह आप देखोगे सूफिज्म में भी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं निमे रसिया यार बनाना पान मैंने कंजरी बनना, तो मतलब मैं पंजाब से हूँ तो हमारे पंजाब में अपने आप को सूफिज्म में कंजरी बन के देखते हैं। अमीर खुसरो साहब ने जितनी भी कव्वालियाँ लिखी हैं वो अपने यार के लिए लिखी हैं, निजामुद्दीन के लिए लिखी हैं। छाप तिलक सब छीनो उसे लैला मिला के, बली बली जाओ मैं अपने पिया के, तो सुहागन बन गए थे अपने यार के। तो ये जो सूफिज्म एंड भक्ति में है, इसमें स्त्री भाव में रहना होगा। तो ये जब चीज़ें चली हैं और इसको पढ़ा, इसको समझा, समझने की कोशिश की, शायद मैं अभी नहीं भी समझ पाई हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करती हूँ कि
अपने आप को मैं कौन हूँ। वेद में एक मंत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो कि मैं कौन हूँ। तो ये सब चला है उसके बाद फिर 2012 में नालसा के लिए जो प्रिपरेशन हो रही थी तो नालसा की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दिल्ली में इकट्ठा हुए और नालसा के साथ मिलकर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर एक PI डाली नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड उसका 15 अप्रैल 2014 को डिसीजन आता है। थर्ड जेंडर कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट उसको रिकोगनाइज करती है, रिकोगनाइज करती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती नहीं है क्योंकि वेद में ऑलरेडी तृतीय प्रकृति लिखा गया है तो उसको रिकोगनाइज करती है। तो ये सब चीज़ें हुई और सरकार को कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहा जाए कि आप थर्ड जेंडर के लिए जितने भी पॉलिसी बनती बनाइए। तो मेरा फिर एडमिशन हुआ, इन सब डिस्क्रिमिनेशन के बाद जब मैं एडमिशन लिया 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, उसके बाद मेरा संघर्ष और शुरू हो गया। एक तो सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए, दूसरा टॉयलेट नहीं था, फीस देनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ों के लिए संघर्ष चला। पंजाब यूनिवर्सिटी में 23 लाख रुपये बजट पास हुआ 2016 में, सेपरेट वॉशरूम बने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, फीस माफ हुई, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना, सो बहुत सारी चीज़ें हुई 2000। और मैंने भी अपने लिए नहीं किया, उसके बाद 5 स्टूडेंट और दूसरे साल एडमिशन हुई और अब जो आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचने लगे हैं कि किन्नर प्रथा को जो भीख मांगने की जो प्रथा है उसमें से वो बगावत करके पढ़ने की तरफ आए ताकि वो समान जिंदगी एक समान नागरिक की तरह पूरे हुकूक पूरे अधिकारों के साथ जिए और एक सामान्य जिंदगी जिए। मैं एक छोटी सी कविता इजाजत चाहती हूँ कि वो भी मेरे जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैं आपको मैं इतना परिपक्व तो नहीं हूँ पर कोशिश करती हूँ लिखने की। पैदा हुई तो छुआ माँ का दंग, बड़ी हुई तो माँ रह गई दंग, सोचने लगी कि पैदा तो लड़का किया था तो इसका कैसे हो गया लिंग भंग। कुछ बड़ी हुई तो चुनरी ओढ़ के इतराती बल खाती चलती, माता भी आंखें मलती सोचती होगी बड़ा होके करेगा बदनाम, इससे अच्छा पैदा होती मर जाती मेरी संतान। जब आया यौवन मेरा बदसूरत लगने लगा अपना ही चेहरा, अब मैं ना औरत ना ही लगने लगी मर, घुट घुट कर जीने लगी किसी को ना सुनाया दर्द। आया यौवन छाई जवानी, दुनिया बनी मेरी जिस्म की दीवानी, नोचने लगे लोग मिल बांट कर, पढ़ना भी हो गया दुभर, होनहार छात्र की जिंदगी कर दी लोगों ने नर्क, रोती ही बिलकती रही किसी को ना पड़ा फर्क। घर वालों ने भी सुना अनसुना किया मेरा जीवन नर्क किया, घर से बाहर से तो लूटती ही थी पर पुलिस वालों ने भी खूब लूटा, जेल कचहरी और अदालत के चक्कर काटते काटते दुनिया से रिश्ता टूटा। मेरी हालत महाभारत की द्रौपदी से बुरी थी, समरकंद के बाजार में जैसे दलालों से मैं घिरी थी, मर्द का भेष बनाकर जीवन यापन के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, ईश्वर ने भी हर घड़ी मेरी परीक्षा ली। एक दिन मेरा सर किसी दहलीज से टकराया, आँख खुली तो अपने आप को शिक्षा के मंदिर की चौखट पे पाया, एक देवी सामने खड़ी थी, किताब हाथ में लिए खड़ी थी, धैर्य भी था गर्व भी था कुछ कर गुजरने का साहस भी था, बोली मुझसे उठकर खड़ी हो, ना तू मर्द ना तू औरत, तू तो है एक पवित्र आत्मा, जो तुझको समझेगा वही तो होगा सच्चा महात्मा। मैं बोली मैं तो हूँ एक अबला, शरीर मेरा मर्द का है लेकिन अंदर से एक महिला, दुनिया ना समझ पाएगी मुझको, क्या ज्ञान नहीं है तुझको, बड़े बड़े पैगंबर आए उनको ना दुनिया समझ पाई, तो फिर मैं किस खेत की आई। वह बोली तू हिम्मत ना हार, प्रभु की लीला अपरंपार, खड़ी रह हिमालय की तरह, चाहे जितना भी तूफान आए बन जाएगी तू ध्रुव तारा, दिखाएगी तू रास्ता सबको जो है वक्त का मारा, उठी उठ खड़ी हो मेरी रानी, तुझे ताली नहीं बजानी बल्कि ताली बजवानी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का दंड लेकर खड़ी हुई और चल पड़ी विद्या की ज्योति को लेकर, जिस दिन खुद को जाना दुनिया ने भी मुझको माना,
असली नकली रह गए पीछे, पानी के बुलबुले हो जैसे। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता, खुद में हिम्मत ना हो तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। थैंक यू। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं दो लाइन बाबा सुना दूँ। अमीर खुसरो साहब का उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, तो मैं थोड़ा गा के आपको सुना देती हूँ, अगर आपकी इजाजत है। राग मदमाक सारंग का ही थोड़ा सा उसमें करते हैं। रंग दे रंग दे रे जवार, रंग दे रंग दे रे जवार, जैसे मोरी पिया की चदरिया। रंग दे रंग दे रे जवार, जैसे मोरी पिया की चदरिया। रंग दे रे जवान, ऐसो रंगा दे सुने चुनरिया, ऐसो रंगा दे सुने चुनरिया, जैसे मोरी पिया की पगड़िया। Thank you.